पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। यूसुफ साहब ने कुछ बताया? अरे मोहतरमा जागे तो ना, जब से सोए तब से करवट तक नहीं बदली उन्होंने, और हम उठा तो नहीं सकते। हाँ, नहीं उठा सकते, डॉक्टर ने मना किया, हमें पता है, अच्छे से पता है हमें। ये यूसुफ साहब के पेशे का एक हिस्सा है। इनके जो भी मुवक्किल अपने खानदानी चीजें अपने आने वाले पुश्तों को देना चाहते थे, इसके लिए वो अपनी सारी बेशकीमती चीजें यूसुफ साहब के सरपरस्ती में रखवा दिया करते थे। सुनिए ना, अगर आपको ऐतराज ना हो तो ये अलमारी में जितनी भी चीजें रखी हम इसे एक बार चेक करना चाहते हैं। हमने बताया था ना कि हाँ, याद है आपने हमसे कहा था कि मौखिलों की वसीहत में जिक्र बेशकीमती धरोहर है, जानते हैं, लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम इसको खरोच भी नहीं आने देंगे, किसी भी चीज को बहुत आराम से चेक करेंगे और जैसा है बिल्कुल वैसा ही रखा मिलेगा। हम पे भरोसा कीजिए, हम चेक कर सकते हैं। जी जी जी, आइए मैडम, आइए। वाह क्या बात है, रईस लोगों के घर की कुछ बात ही अलग होती है। बैठिए बैठिए। हाँ मैडम, आप वो सब छोड़िए, आप ये बताइए कि आप कहना क्या चाहती थी। अरे हाँ, एक मिनट, याद आया। हाँ हेलो प्रिवियत, ओ अच्छा आपको आती है हिंदी थोड़ा थोड़ा? ओके ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू, ट्राई टू इन हिंदी थोड़ा थोड़ा। मनी? हाँ मनी ट्रांसफर या डायरेक्ट? अच्छा ओके, हाँ धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, डन डन डन। लो जी, हो गया आपका सारा टंटा सॉल्व। मैं कुछ समझी नहीं मैम। अभी अभी उस विदेशी इन्वेस्टर से हम बात कर रहे थे, उसे लखनऊ में कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, तो बस आपके पिताजी के वसीयत के बेस पर हमने उसे छेबाग का प्लेटफॉर्म बेच दिया है। हाँ? तो आपके बेटे की फीस भी अभी वो डायरेक्टली ट्रांसफर कर देगा, वो भी 9 बजे से पहले। अब आपके बेटे को फॉरेन में पढ़ाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, और जो हमारा बैलेंस अमाउंट है वो हम दोनों देख लेंगे, अभी हमारे अकाउंट में आ जाएगा, फिर उसका क्या करना है वो तो देख ही लेंगे, है कि नहीं? अरे आपके बेटे का फ्यूचर बच गया, आपके सारे कष्ट दूर हो गए, अरे खुशियां मनाइए। लेकिन ये तो ऐसा जो साहिब, आप फ्रॉड है, धोखा है। तो वो गजोधर साहब, इधर उधर। हाँ हाँ वही, अरे अपने अपने नजरिए की बात है भाई। अब देखिए, जो पहाड़ आपको यहाँ से नुकीला नजर आ रहा है, हमें वो चपटा नजर आ रहा है। काम होना चाहिए, अच्छे और बुरे में पढ़ के क्या करेंगे, क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं, पर हम पुलिस वाले हैं, हम पर कौन शक करेगा? कोई भी नहीं। और जब तक हम आपके साथ है आपको हम कुछ नहीं होने देंगे। अरे टेंशन काहे लेते हैं, हमारे मामा जी विधायक है, अरे ऐसे तो कई झोल किए हमने उनके साथ मिलकर, कभी पकड़े नहीं गए। हाँ आपको बस एक चीज याद रखनी है कि आपको इस बात का जिक्र भी नहीं करना है कि हमने धोखे से आपके पिताजी की वसीयत से वो विदेशी बायर को ये छेबाग का प्लेटफॉर्म बेच दिया है, बस। वरना क्या है, हम दोनों दिक्कत में आ जाएंगे ना, उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? और अब पैसा मिल गया है तो बेटा भी मिल जाएगा, ठीक है फिर हम चलते हैं। जय माता दी। वैसे घर काफी सुंदर है आपका। नहीं धन्यवाद। कुछ मिला आपके काम का? सब छान मारा लेकिन कहीं भी हमें छेबाग का कनेक्शन नहीं नजर आ रहा है। पता नहीं क्या है, क्या है ये छेबाग? कुछ ये बचा है बस, ये एक मिनट, इस पे कुछ लिखा है, कुछ ब्रश है क्या? ये बहुत गंदा और ऐसे साफ करना चाहिए कुछ। हाँ ये उर्दू में लिखा है, आप पढ़ सकती हैं कि क्या लिखा है, बताएंगे हमें? ये तो छेबाग है। कहाँ?
ये छह भाग लिखा इस पे, तो ये है वो बेशकीमती चीज जिसका जिक्र उन्होंने वसीयत में किया था, ये है वो छह भाग। पर ऐसा तो कुछ बेशकीमती इसमें नजर नहीं आ रहा है, ऐसा क्या है इसमें? ये तो यूसुफ साहब भी बता सकते हैं और हम उन्हें, हाँ पता है उन्हें उठा नहीं सकते, बार बार एक ही बात बोल के हमारा दिमाग का चूरण मत कीजिए। अरे आप तो नाराज हो गई। नहीं हम नाराज नहीं हुए, हम टेंशन में, किसी का फीस भरना है, किसी का भविष्य उस पर निर्भर है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, इसलिए थोड़ा टेंशन में हम। एक काम करते हैं उनके पास जाते हैं, देखते हैं कुछ हो सकता है। चलिए। जनाब, हुजूर उठाइए ना, सब उठाइए ना उनको। हुजूर एक सेकेंड, ये क्या कर रहे हैं, सो क्यों रहे? ठीक से देख नहीं सकते है ना, इसलिए सूंघ कर पता करते हैं कि किसकी वसीयत है। एक मिनट, एक तरीका है हमारे पास। क्या? इधर आइए, आप इधर आइए। चेबाग जी, जी चेबाग का है ये? चेबाग कुछ बताएंगे चेबाग के बारे में? दरअसल धरोहर के दादाजी के दादाजी 100 साल पहले हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में घुमा करते थे और जिस शहर में भी चाय के बागान में उनको अच्छी चाय की पत्ती मिल जाती थी उसको लेकर अपने शहर में आ जाया करते थे। इस तरह उन्होंने 6 अलग अलग जगह की चाय की पत्तियां लाकर उनको मिक्स करके ऐसी चाय की पत्ती बनाई कि वो 100 साल 150 साल 200 साल तक कभी खराब नहीं होगी। चेबाग, और इसमें वही ऐतिहासिक 100 साल पुरानी चाय पत्ती है जो पुरातत्व विभाग के लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है। धन्यवाद आपका, बहुत 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 धन्यवाद। जी हाँ संतु, कब से मैडम वो विकास वाला वीडियो ही देख रही हूँ मैं। एक चीज है जो मेरी नजर में आई है। हाँ, वीडियो के बैकग्राउंड में घंटा बजने की 4 बार आवाज आई है मैडम, ठीक वैसे ही जैसे घंटाघर से आती है। मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो घंटाघर के आसपास ही कहीं रिकॉर्ड किया है और कैमरा एंगल से भी मुझे ये लग रहा है कि छत पे रह के किसी ने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। फिलहाल हम घंटाघर के पास वाले एरिया में पूछताछ करें, आई एम श्योर हम जल्दी पहुंच जाएंगे उस तक। धन्यवाद संतु, बहुत बढ़िया वो क्या कहती है मैडम सर, गुड जॉब। हमें ऐसा लग रहा है कि हम विकास के बहुत करीब है और इस केस को सॉल्व करने के भी बहुत करीब है। जी मैडम, जय हिंद। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।